हेलो मेरे भाइयों, तो आज हमने देखिए एक बिल्कुल छोटा सा बिल्कुल कॉम्पैक्ट सा एक सर्किट बनाया है। ये देखिए ब्लूटूथ एम्पलीफायर है, तो इसको आप आसानी से बना सकते हो। और अब चलिए इसको मैं आपको बजाकर भी दिखा देता हूँ। ये देखिए तो भाई ये बहुत ही बढ़िया बज रहा है, बिल्कुल शानदार बज रहा है। और गाइज इसे हमने बनाया एक पीवीसी पाइप से, इस वाले पाइप से। ये पाइप आपको आसानी से किसी भी शॉप से मिल जाएगा प्लम्बर की। तो गाइज आज इसको मैं आपको बना के दिखाऊंगा ये कैसे बनता है, लेट्स गो। तो भाइयों इस ब्लूटूथ एम्पलीफायर को बनाने के लिए सबसे पहले एक पीवीसी का पाइप चाहिएगा इस प्रकार का, ये आपको कहीं से भी मिल जाएगा। और हमें यहाँ पर मोबाइल में गिरने वाले स्पीकर लेने हैं, ठीक है, ये आपको मोबाइल की शॉप से मिल जाएंगे। तो इसे सबसे पहले हम यहाँ पर इतना काट लेते हैं, माप करके काट लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं इतना लेता हूं। तो फ्रेंड देखिए हमने ये अच्छे तरीके से काट लिया है, ठीक है। अब ये जो हमारे स्पीकर है तो इनको हमें यहाँ पर इसके दोनों साइड पे लगाना है, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखिए अभी ये छोटा है, यहाँ पर अंदर इसके नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो अब चलिए इसको हम गैस पर लेकर चलते हैं, गैस पे या हीटर पे किसी भी चीज़ पे। तो अभी हमें यहाँ पर थोड़ा सा इसको आगे से गर्म करना है इस प्रकार से, देखिए। और गर्म करने के बाद इस लकड़ी से इसको अंदर से इस प्रकार से फैला लेना है, ठीक है। तो इसी तरह से हम इधर भी कर लेंगे, ठीक है। तो भाई वो गर्म करने के बाद कुछ ऐसा पाइप हमारा बन गया, ये देखिए। तो अब हम यहाँ पर एक ब्लेड से इसको अंदर से थोड़ा थोड़ा छील लेंगे, जिससे कि यहाँ पर इसमें जगह बन जाएगी, ठीक है। तो इसको फटाफट से मैं छील लेता हूँ। तो फ्रेंड देखिए ये हमने अच्छे तरीके से दोनों तरफ से साफ कर दिया, ये देखिए। और गाइज अब इसमें यहाँ पर हम स्पीकर लगा देंगे, स्पीकर के तार हमने थोड़े थोड़े बड़े कर दिए ताकि हमारे कनेक्शन करने में हमें आसानी रहे। ये देखिए गाइज इस प्रकार से हम दोनों साइड में यहाँ पर स्पीकर लगा सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम स्पीकर नहीं लगाते, इसके अंदर का सर्किट है वो लगाएंगे, ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने यहाँ पर एक छोटा सा ये देखिए इंडिकेटर से मैं एक ब्लूटूथ स्पीकर लगाया था, ठीक है। तो इसे आप बाइक पे लगा सकते हो, बहुत ही बढ़िया काम करता है, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो को भी जरूर देखना। तो आज इसी के अंदर से सर्किट निकाल करके हम यहाँ पर ये अपना छोटा सा एक एम्पलीफायर बनाएंगे। तो गाइस ये सर्किट हमें सेम ही लगाना है, क्योंकि इसके अंदर भी वही सर्किट है, इसलिए मैं इसको खोल करके यहाँ पर इसको निकाल लेता हूँ। तो गाइस ये देखिए ये है, यहाँ पर डबल साइड टेप से मैंने चिपका रखा था, मैं इस टेप को भी उतार देता हूँ। ये देखिए भाइयों यहाँ पर देखिए एक तरफ तीन तार है और एक तरफ दो तार है। ये तो ये जो दो तार है ये तो बैटरी के हैं, और ये जो तीन तार है ये इसके कनेक्शन के वायर है, ठीक है। और इसमें दो तार हमने एक्स्ट्रा भी लगा रखे हैं, ये इसके बैटरी में लगने वाले तार है, ठीक है। तो ये है पूरा इसका सर्किट, और यहाँ पर मैंने डबल साइड टेप लगा रखी थी और इसको ऊपर से ऐसे बंद किया हुआ था, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा था कि ये मतलब आपस पर भी टच नहीं हो रहे हैं और यहाँ पर जगह भी कम हो गई है, ठीक है। तो ये कनेक्शन बहुत सारी वीडियो में मैंने बता रखे हैं कैसे ये कनेक्शन होते हैं, तो आप पिछली वीडियो मेरी देख सकते हो। यहाँ पर दोनों पॉइंट आपको दिख रहे हैं ना, यहाँ पर और यहाँ पर स्पीकर के वायर है। इस पर सब कनेक्शन लिखे रहते हैं, कहाँ पर क्या करना है पूरा कनेक्शन लिखे रहते हैं, ठीक है। हमारी ये बॉडी ये रही, पहले हम यहाँ पर इसमें एक होल कर लेंगे। होल करने का मतलब सिर्फ ये है कि ये जो जैक है ना, ये चार्जिंग इसमें मॉड्यूल हमें लगाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर लगा रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर इसमें पहले एक होल कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, ये देखिए। अब यहाँ पर ये जो हमारा स्पीकर है, तो सबसे पहले इसके तार हम यहाँ पर इसमें डाल लेते हैं, ये देखिए। और गाइज इसको बाद में हम चिपका देंगे, बस हमने ये तार डाल दिए है ना। और ये जो हमारा सर्किट है, अब यहाँ पर ये जो स्पीकर के कनेक्शन मैंने बताए, तो इनमें से आप एक तरफ लगा दीजिए, क्योंकि दो स्पीकर लगाने में तो दोनों तरफ पे स्पीकर हमारे लग जाएंगे, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं। अब बचा हमारा यहाँ पर दूसरा, ये दूसरा स्पीकर, ठीक है। तो इसके भी हमें यहाँ पर इसी प्रकार कनेक्शन करने हैं। तो ये देखिए भाइयों हमने यहाँ पर दोनों स्पीकर के कनेक्शन कर दिए हैं, ठीक है। और अब चलिए यहाँ पर इसके बैटरी के भी कनेक्शन कर लेते हैं। तो बैटरी हमारे पास ये रही, ये देखिए। तो यहाँ से तो हम इसके, ये इसका चार्जिंग मॉड्यूल है जिससे हम इस बैटरी को भी चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। इसे भी हम लगाएंगे, तो बैटरी ये रही हमारी। और अब इस बैटरी के कनेक्शन हम यहाँ पर करेंगे, तो मैं इसको दोबारा से कनेक्शन करता हूँ यहीं पर। ये देखिए यहाँ पर प्लस है बैटरी का, तो हमने यहाँ पर प्लस लगा दिया और माइनस पे हम माइनस लगा देंगे। अब यहाँ पर ये सर्किट के जो तार है ना, इनके भी हम यहाँ पर ही कनेक्शन कर देंगे, ठीक है। तो ऑन ऑफ करने के लिए हमें यहाँ पर एक स्विच भी लगाना पड़ेगा। तो फ्रेंड ऑन ऑफ स्विच हम ये वाला यूज करेंगे, देखिए। तो इसको हम यहाँ पर इस पे ऊपर लगाएंगे और इसी से ऑन करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर दो तार जोड़ लेते हैं। तो अब यहाँ पर हमें इस स्विच को लगाने के लिए हमें यहाँ पर होल करना पड़ेगा। तो एक होल हमने कर लिया है, एक और होल हमें करना पड़ेगा। तो फ्रेंड देखे यहाँ पर भी हमने होल कर दिया है। और अब ये जो हमारा तार है इसको हम यहाँ पर एक पॉइंट पे डाल देते हैं। तो हमने एक पॉइंट में डाल दिया है और इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पर तो ये जो हमारा चार्जिंग मॉड्यूल है ना, तो ये जो तार है, एक ये माइनस है एक प्लस है, ये हमारे सर्किट के हैं। तो इनमें से हम प्लस वाला हटा देते हैं, ये तार ये हमने हटा दिया है। तो अभी इसे मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, ये देखिए।
तो अब क्या होगा, अब हमारे स्विच से घूम कर जाएगी सप्लाई। तो ये जो तार है हमारा, ये हम यहाँ पर अब स्विच में दे देंगे। इसमें ये जो होल दिख रहा है आपको, यहाँ से हम बाहर निकाल लेंगे तार को। तो ये है हमारा तार। अब इसे तार को हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा। और मेरे व्लॉग चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं दिन भर जो भी काम करता हूँ वो सारा काम मैं व्लॉग चैनल पर डाल देता हूँ। और व्लॉग चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर इस प्रकार कनेक्ट कर दिया है इसको। तो अब जो है, अब हम यहाँ पर इस स्विच को लगा सकते हैं। लेकिन इसे लगाने के लिए हमें यहाँ पर एलपी का यूज़ करना पड़ेगा। तो एलपी से ही हम यहाँ पर इसको चिपकाएंगे, ठीक है। तो हमारा देखिए, सारे यहाँ पर जितने भी इसमें कंपोनेंट लगने थे वो सारे हमने लगा दिए हैं। तो इसको हम यहाँ पर इस प्रकार लगा देंगे, ठीक है, ये देखिए। और अब यहाँ पर अभी हमें एक तार इसके और कनेक्शन करने हैं। तो हम यहाँ पर एक एक्सटर्नल जैक लगाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर होल किया हुआ है, ठीक है। तो गाइज, एक तार तो हमारे पास ये ब्लैक है, एक तार हमारे पास रेड है, ठीक है गाइज, ये देखिए। तो ये हमने रेड तार को इसमें लगा दिया है। अब यहाँ पर इसमें हम ब्लैक तार को भी लगा देंगे, जो माइनस का होता है। हमने यहाँ पर इसमें दोनों तार लगा दिए हैं, आप देख सकते हैं। और अब चलिए, यहाँ पर ये जो होल दिख रहा है ना आपको, यहाँ से हमें इन दोनों तारों को निकाल लेना है। इस जैक को आप ऐसे यहाँ पर लगा सकते हो, लेकिन इसको मैं पूरा अभी फिट नहीं करूँगा, क्योंकि हमें यहाँ पर पहले सर्किट को अंदर डालना है, क्योंकि ये सर्किट अंदर इसमें फिर नहीं आएगा, आगे ही अड़ जाएगा ना यहाँ पर। तो इन तारों को हम यहाँ पर इसमें से निकाल लेते हैं। और बैटरी को चार्ज करने के लिए यहाँ पर देखिए, ये जैक है ना, तो इस जैक में तो हम नहीं लगाएंगे, तो इसके बराबर में जो यहाँ पर माइनस प्लस के पॉइंट दिए हुए होते हैं, तो वहाँ पर हम लगाएंगे, ठीक है। तो भाई ये देखिए, प्लस पे प्लस लगा दिया हमने और माइनस पे माइनस, ठीक है। अब इन सभी तारों को हम अंदर कर देते हैं। तो ये देखिए भाइयों, हमने यहाँ पर सारे तार भी अंदर डाल दिए हैं। इस प्रकार से हमें यहाँ पर ये भी हमने लगा दिया है। थोड़ा सा इस पर भी हम एलपी डाल देते हैं, ताकि ये हमारा यहाँ पर रुक जाए। तो ये देखिए भाइयों, ये स्पीकर भी हमने यहाँ पर लगा दिया है। ये देखिए, कितना छोटा सा यहाँ पर स्पीकर हमारा तैयार हो गया है, ठीक है। और पूरा ब्लूटूथ से कनेक्टेड है, और यहाँ पर आप चार्ज कर सकते हो, यहाँ से इसे ऑन ऑफ कर सकते हो। चलिए इसे मैं यहाँ पर बजाकर आपको दिखाता हूँ। तो भाइयों देखिए, दोनों स्पीकर वर्किंग है और आवाज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और अब चलिए इसे मैं यहाँ पर मोबाइल से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो मोबाइल हमारा ये रहा, और मोबाइल से हम यहाँ पर इसको कनेक्ट करके गाना बजाएंगे। तो मैं यहाँ पर देखिए ब्लूटूथ ऑन कर लेता हूँ। तो ये देखिए गाइस, जैसे मैंने यहाँ पर ऑन किया ना, तो क्योंकि हमने यहाँ पर इंडिकेटर का इसमें सर्किट यूज़ किया हुआ है, तो इंडिकेटर हमारा पहले ही पेयर हो रखा है। ये देखिए, मैं यहाँ पर इंडिकेटर लिखा हुआ भी है, इंडिकेटर बॉक्स, ठीक है। तो ये एकदम से पेयर हो गया, क्योंकि इंडिकेटर वाला ही सर्किट इसमें है हमारा, ठीक है। तो अब ये पेयर हो गया है। और अब चलिए मैं आपको गाना बजा करके कोई दिखा देता हूँ, और मैं अब आपको वहीं पर सुनाता हूँ ले जाकर माइक को। और अब चलिए दूसरा गाना बजाते हैं। और गाइज, इसकी आवाज़ भी कम ज़्यादा कर सकते हो आप, बिल्कुल मतलब अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो बहुत ही बढ़िया साउंड है, क्लियर साउंड है एकदम, क्योंकि ये मोबाइल के स्पीकर है, तो बहुत ही बढ़िया साउंड देते हैं, ठीक है। देखिए, तो फ्रेंड देखिए कितना छोटा सा है और कितना बढ़िया आवाज़ दे रहा है, क्योंकि मोबाइल के स्पीकर है, तो बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल आवाज़ आ रही है। और इसे आप चार्ज भी कर सकते हो यहाँ पर लगा करके, ठीक है। चलिए मैं दिखा देता हूँ चार्ज कैसे होता है ये। तो भाइयों, यहाँ पर देखिए, हमने मोबाइल के चार्जर से इसको चार्ज करेंगे, ठीक है। कोई भी 1 एम्पियर का मोबाइल आप इसमें लगा सकते हो। तो इस तरीके से आप लगा करके यहाँ पर देखिए, इसमें यहाँ पर इसे आसानी से चार्ज भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए, इसमें एक हल्की सी रेड लाइट जल रही है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर इसे कनेक्ट करते हैं ना, तो इसमें रेड लाइट जल जाती है हल्की सी, तो इसका मतलब ये कनेक्ट हो चुका है और ये 100% काम कर रहा है, ठीक है भाइयों। इस प्रकार से देखिए, हमारा सर्किट बिल्कुल 100% वर्किंग है। चार्ज भी कर सकते हो, ऑन ऑफ भी कर सकते हो, और कहीं भी ले जा सकते हो। एक छोटे से पाइप के अंदर सब कुछ है, इसके अंदर पूरा सर्किट है, और देखिए कितना बढ़िया लग रहा है देखने में भी। तो गाइज, इस प्रकार के सर्किट को आप अपने घर पर आसानी से बना सकते हो, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। इसमें जो भी सामान लगा है, वो सारे सामान का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप उस सामान को आसानी से ऑनलाइन खरीद भी सकते हो या ऑफलाइन भी ले सकते हो, ठीक है। और मेरे व्लॉग चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। व्लॉग चैनल का नाम है प्रदीप का व्लॉग बॉक्स। और भाइयों, व्लॉग चैनल पे मैं दिन भर जो भी काम करता हूँ सारे वीडियोस डाल देता हूँ। तो वहां पर भी आपको बढ़िया लगेगी वीडियो, तो डिस्क्रिप्शन में व्लॉग चैनल का लिंक है, वहां पर जाकर आप मेरे व्लॉग चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करो। तो आज की वीडियो में इतना ही भाइयों, आई होप ये प्रोजेक्ट आपको पसंद आया होगा और इसे बना करके भी आप जरूर देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय किसान, जय जवान।